Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students of class 6. We were reading the story, The Tale of the Goldfish. This is the third unit of your English book and we are following the curriculum of Bethel Il Publishers. So let's see what happens in the story where a strange visitor had visited a merchant. देखते हैं आगे स्टोरी में क्या हुआ जहां पर एक अजनबी मेहमान अचानक से उस सौदागर के घर आया था. You are fond of your fish, I see, said the visitor, raising his head. Visitor जो है वो pond के ऊपर खड़ा उसकी fish देख रहा था. जब merchant आया तो visitor ने उसको कहा कि मालूम होता है कि तुम भी मछलियों के शौकीन हो. They come swimming up to my hand, tame and friendly. Yes, उसने कहा कि मुझे कैसे पता चला, मुझे इससे अंदाजा हुआ कि ये मछलियाँ इतनी फ्रेंडली हैं, इतनी सुधाई हुई हैं. टेम होता है सुधाया हुआ होना, जैसे किसी जानवर को आप अपना ताबेदार बना लेते हो, उसकी ट्रेनिंग कर लेते हो और उसको सुधार लेते हो और फिर वो आपके मर्जी के मुताबिक काम करता है. तो उस विजिटर ने कहा कि मुझे ये मालूम होता है कि ये मछलियाँ भी तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा हिली हुई हैं, तुम्हारे साथ दोस्ती है इनकी और ये मेरे हाथ में हाथ के पास आती हैं और आके मुझसे खाना मांगती हैं. यस सेड द मर्चेंट, इट हैज़ ऑलवेज बीन द ड्रीम ऑफ माई लाइफ टू ब्रीड अ फिश ऑल गोल्ड फ्रॉम हेड टू टेल, बट आई हैव नेवर डन सो. मर्चेंट ने कहा कि हाँ, मेरा हमेशा से ये ख्वाब रहा है कि मैं एक ऐसी गोल्डन मछली पालता जो पूरी की पूरी हेड टू टेल, सर से लेकर पांव तक पूरी की पूरी गोल्डन होती, लेकिन कभी ऐसा हो नहीं सका. कम ऑनरेबल सर, योर सपर इज प्रिपेयर, रिक्वेस्टेड द मर्चेंट. आइए मोहतरम जनाब, आइए, आपका खाना तैयार है. बेटा, सपर इज द वर्ड विच इज जनरली यूज्ड इन प्लेस ऑफ डिनर. ठीक है, सुबह के नाश्ते को कहते हैं ब्रेकफास्ट और दोपहर के खाने को कहते हैं लंच और रात के खाने को कहते हैं डिनर. सपर लफ्ज वैसे तो किसी भी खाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन जनरली ये रात के खाने के लिए इस्तेमाल होता है. दे सैट डाउन टू ईट एंड एट लास्ट द विजिटर टोल्ड द ओल्ड मर्चेंट हु ही वॉज एंड वाई ही हैड कम. वो दोनों खाने के लिए बैठ गए और आखिरकार विजिटर ने अपने सौदागर को बताया कि वो क्यों आया था और क्यों उससे मिलना चाहता था. आई एम सिंग फू, उसने कहा मेरा नाम सिंग फू है, द सन ऑफ द ओल्ड वॉशर वुमेन यू हैड मैनी ईयर्स अगो, और मैं उस बूढ़ी औरत का बेटा हूँ जो तुम्हारे घर में कपड़े धोती थी बहुत साल पहले तुम्हारे घर. मैनी ईयर्स अगो, बहुत साल पहले. But you are a wealthy man, well favored and wise, said the old merchant in astonishment. बूढ़े सौदागर ने कहा, हैरत से कहा, astonishment, हैरत से, कि तुम तो एक अमीर आदमी लगते हो और बहुत समझदार और अकलमंद मालूम होते हो, well favored, जिसके पास बहुत सारी blessings हो, जिसके ऊपर अल्लाह का बहुत करम हो और मालदार है और अकलमंद भी मालूम होते हो. मतलब ये था कि अगर तुम एक बूढ़ी औरत के, गरीब औरत के बेटे हो जो दूसरों के घर कपड़े धोती थी, तो आज तुम ऐसे इतने मालदार और इतने वेल फेवर्ड, यानी इतने ज्यादा ब्लेसिंग्स के साथ, इतने ज्यादा मालूमता के साथ कैसे हो. इट इज सो सेड द विजिटर, माई मदर पुट मी इन द सर्विस ऑफ लाई टू The famous magician and I found favor in his sight, so he made me like a son to him. Visitor ने कहा कि हाँ, ऐसा ही है, मेरी अम्मी ने मुझे एक magician की सर्विस में डाल दिया था, एक magician के काम मैं उसके पास रहने लगा और मैं उसके पास काम करने लगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसके इतने अच्छे तरह काम किए कि वो मेरे पे मेहरबान हो गया और उसने मुझे बेटे की तरह बना लिया. Now Laitu is dead and I have his wealth and much of his learning. और अब Laitu जो है वो मर गया है और मेरे पास उसका सारा पैसा मेरे पास है, क्योंकि उसका अपना कोई बेटा नहीं था और बहुत सारी उससे बातें भी मैंने सीखी हैं. द मर्चेंट गॉट अप एंड बाउड, मर्चेंट उठा और उसने उसको यूं झुक के, जैसे दूसरे के सामने उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको एक्नॉलेज करते हैं, उसको एक तरह का इज्जत दी. He was in great awe of enchanters and he trembled to think that he had one in his shabby house.
उसके ख्याल में जो जादूगर थे वो बहुत बड़े होते थे, वो बड़ा बड़ी इज्जत करता था जादूगरों की, और वो दिल में ये सोच के कांप रहा था कि मेरे छोटे से घर में, मेरे पुराने से घर में एक जादूगर आया है। राइज एंड सेट द विजिटर, डू नॉट नील डाउन टू मी, प्लीज उठ जाइए और मेरे सामने मत झुकिए। डू नॉट नील डाउन, नील डाउन कहते हैं झुकने को। तो जो मेहमान आया था उसने फौरन से मर्चेंट को कहा, उस सौदागर को कहा जिसका वो घर था, कि मेरे सामने मत उठिए, राइज उठ जाइए, प्लीज मेरे सामने मत झुकिए। बेटा ये वर्ड्स मीनिंग्स अपनी कॉपी में लिख लें। टेम होता है सुधारना, वॉश वॉशर वुमेन कपड़े धोने वाली औरत, और ताज्जुब एनचांटर्स जादूगर, एस्टॉनिशमेंट हैरानी, ट्रेम्बल्ड कांप उठना, बाउड झुकना। माई मदर वुड नॉट हैव लाइक यू टू डू दैट, मेरी वालदा को ये बिल्कुल अच्छा ना लगता कि आप ऐसे करें। एंड इज योर ऑनरेबल मदर स्टिल अलाइव एंड वेल, और क्या आपकी वालदा अभी भी जिंदा है या और ठीक ठाक है, सौदागर ने पूछा, सीटिंग हिमसेल्फ अगेन बट स्टिल ट्रेम्बलिंग इन सरप्राइज एंड एक्साइटमेंट। और वापस अपनी कुर्सी पे बैठ गया, लेकिन अभी भी वो हैरत और खुशी से थोड़ा थोड़ा कांप रहा था। मतलब अभी तक उस पर इस बात का असर था कि ये इतना मालदार इंसान मेरे घर आया है और ये असल में मेरी एक घर में काम करने वाली जो मेरे कपड़े धोती थी उसका बेटा है। शी इज वेल एंड हैप्पी, वो खुशबाश हैं और ठीक ठाक हैं, सेड द एनचांटर ग्रेवली, जादूगर ने सीरियसली कहा, संजीदगी से कहा, ग्रेवली होता है संजीदगी से। इट इज बाय हर रिक्वेस्ट दैट आई हैव कम टू सी यू, और मैं उन्हीं के कहने पर आपको देखने आया हूँ, आपको मिलने आया हूँ। डू यू रिमेम्बर हर ऑनरेबल होस्ट, क्या आपको वो याद है, मोहतरम मेजबान। होस्ट कहते हैं बेटा मेजबान को, ऑनरेबल मोहतरम। यस सेड द एनचैंटर एट वांस, एकदम से उसने सौदागर ने कहा कि हाँ हाँ मुझे बिल्कुल याद है। शी वॉज फैट एंड जॉली, वो थोड़ी मोटी सी थी और हंसी मजाक करने वाली थी। शी वॉश माई लिनन बेटर देन एनी वन एल्स, और उन्होंने हमेशा मेरे कपड़े हर किसी से ज्यादा अच्छे धोए। एंड डू यू रिमेम्बर व्हेन शी फेल इल एंड कुड नॉट वर्क फॉर 5 वीक्स, आस्क द विजिटर, और क्या आपको याद है कि एक दफा वो बीमार पड़ गई थी और 5 हफ्तों तक कोई काम नहीं कर सकी थी। विजिटर ने पूछा। द मर्चेंट फेल्ट अनकंफर्टेबल, मर्चेंट को थोड़ा अजीब सा लगा, वो थोड़ा सा मतलब अनकंफर्टेबल का मतलब होता है बहुत अनकंफर्टेबल, बहुत थोड़े पुरसकून ना हो, बहुत आरामदेह अंदाज में ना बैठे, उसको कुछ अजीब सा लगा। हैड ही ट्रीटेड द वॉशर वुमेन काइंडली, और उसको क्यों अजीब सा लगा, क्योंकि एकदम उसके दिल में ये ख्याल आया कि अगर वो 5 हफ्तों के लिए बीमार रही थी तो पता नहीं मैंने उसके साथ अच्छा सलूक किया था कि नहीं, पता नहीं मैंने उसके लिए नरम दिली का सलूक किया था उसके साथ कि नहीं। ये देखिए बेटा ये क्वेश्चन की फॉर्म में, हैड ही ट्रीटेड द ओल्ड वॉशर वुमेन काइंडली, दिस इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसीलिए इसके आगे क्वेश्चन मार्क आया है। तो ये उसकी सोच बता रहे हैं। फौरन से सौदागर के दिल में ये ख्याल आया कि पता नहीं मुझे मुझे याद भी नहीं है कि मैंने उस वॉशर वुमेन के साथ उसकी बीमारी के दौरान कैसा सलूक किया था। ही कुड नॉट रिमेम्बर, उसको याद नहीं था। नो आई डू नॉट रिमेम्बर हर इलनेस, नहीं मुझे तो उनकी बीमारी बिल्कुल भी याद नहीं है। ही सेड एट लास्ट, आखिरकार उसने कहा, जबकि आगे से मर्चेंट, आगे से विजिटर ने क्या जवाब दिया। माई मदर रिमेम्बर सेड द मैजिशियन, यू पिक्ड हर अप एंड कैरिड हर अप टू बेड, जबकि मैजिशियन ने कहा कि मुझे तो याद है, मेरी वालदा को भी याद है, मेरी वालदा ने मुझे बताया कि आपने, वो बीमार थी और गिर गई थी तो आपने उन्हें उठाया और उनको ले जाकर बिस्तर पर लिटा दिया क्योंकि वो एक बूढ़ी औरत थी। यू सेंट अ डॉक्टर टू मेक हर वेल अगेन एंड यू पेड हर वेजेस ऑल द वीक्स दैट शी कुड नॉट वर्क, और उन्होंने एक चूंकि वो इतने दिनों तक आपके पास काम पे नहीं आ सक रही थी, मगर फिर भी आपने उनकी सारी तनख्वाह उन्हें दी और डॉक्टर को भेजा जिसने दोबारा से उनका इलाज किया और उनको दोबारा से शफा मिल गई। She has never forgotten, and now that she has a son who is wealthy and powerful, she has asked me to go to all those who were once kind to her and reward them.
उन्होंने कभी भी ये बात नहीं भूली, शी हैज नेवर फॉरगॉटन, कभी भी वो ये बात नहीं भूली कि किसने उनके साथ अच्छा सलूक किया था। और अब चूंकि उनका एक बेटा है जो कि मालदार है और पावरफुल मतलब ताकतवर है, तो उन्होंने मुझे इसीलिए भेजा है कि मैं उन सब लोगों को जाके कोई ना कोई इनाम दूं जो उनके साथ नरम दिल रहे हैं और उनके साथ मोहब्बत का सलूक किया है। सो आई हैव कम टू यू, और यही वजह है कि मैं यहाँ पर आया हूँ। The old merchant was amazed. जो old merchant तो हैरान रह गया। And do you also visit those who treated your mother ill? और क्या आप उन लोगों की तरफ भी जाते हो जिन्होंने आपकी वालदा के साथ बुरा सलूक किया? बेटा यहाँ पर ill का मतलब बीमार नहीं है, बल्कि ill का मतलब है treated ill. Ill यहाँ पर मतलब है बुरा सलूक। मतलब क्या आप उन लोगों के पास भी जा रहे हो जिन्होंने आपकी वालदा के साथ बुरा सलूक किया? Do you punish as well as reward? और क्या आप सजा भी देते हैं, मतलब जिस तरह आप मेरे पास आए हैं और मुझे इनाम देने आए हैं, तो क्या आप सजा भी देते हैं? No, for such is not my mother's wish. आगे से जादूगर ने जवाब दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये मेरी माँ की ख्वाहिश नहीं है। तो बेटा इससे मालूम होता है कि वो एक रहम दिल औरत थी, फितरतन अच्छी औरत थी, क्योंकि वो उन लोगों के पास तो भेज रही थी जिन्होंने उन पर एहसान किया था कि जाओ जाकर उस शख्स को कुछ इनाम दे कर आओ, कुछ मेरी तरफ से तोहफा दे के आओ, क्योंकि मेरी गुर्बत के दिनों में उसने मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया। लेकिन जिन लोगों ने बुरा सलूक किया था उनके पास नहीं भेजा, ठीक है, और ऐसा नहीं चाहा कि उनसे बदला ले, ठीक है। Now, honorable friend, you are poor and shabby. I bring you riches and honor, and they will bring you happiness. तो मोहतरम जनाब, मैं आप उसने कहा कि now, honorable friend, आप चूंकि इस वक्त गुर्बत के हाल में हैं और बहुत खस्ता हाल हैं, तो मैं आपके लिए कुछ चीजें लाया हूँ। Riches का मतलब होता है माल और दौलत, एंड ऑनर इज्जत, एंड दे विल ब्रिंग यू हैप्पीनेस, और ये सारी चीजें आपको खुशी देंगे। देयर यू आर रॉन्ग, सेड द मर्चेंट क्वाइटली, नाइदर riches नॉर ऑनर ब्रिंग्स हैप्पीनेस। यहाँ पर आपसे गलती हो गई, सेड द मर्चेंट क्वाइटली, सौदागर ने आहिस्ता से कहा, ना तो माल और दौलत और ना ही बहुत सारे कोई ऑनर से मुराद है यहाँ पर कोई तमगे या कोई बड़ा एजाज या कोई खिताब, ये सारी चीजें इंसान को खुशी नहीं देती। तो मर्चेंट ने कहा कि यहाँ पर आपसे गलती हो गई, ये सारी चीजें इंसान को खुशी नहीं देती। आई एम हैप्पी नाउ विदाउट देम, मैं इन सारी चीजों के बगैर भी अभी खुश हूँ। आई डू नॉट वॉन्ट गोल्ड, नॉट डू आई वॉन्ट सर्वेंट्स, रिच फूड एंड एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ्स। मैं इन सबके बगैर भी खुश हूँ, ना तो मुझे सोना चाहिए, ना मुझे नौकर चाहिए, और ना मुझे बहुत महंगे महंगे खाने और बहुत एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ्स का मतलब है महंगे कपड़े। असल में तो एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब होता है कशीदा किए हुए कपड़े या कढ़ाई किए हुए कपड़े, लेकिन यहाँ पर मफहूम है महंगे कपड़े। आई एम ओल्ड एंड टायर्ड बट आई एम हैप्पी, मैं बूढ़ा हूँ और थक चुका हूँ, क्योंकि बहुत सारी जिंदगी मैंने गुजार ली है, लेकिन मैं खुश हूँ। लीव मी एज आई एम, मुझे ऐसा ही छोड़ दो जैसा कि मैं हूँ। तो ये एक अहम बात है बेटा, और ये वाला जुमला बहुत अहम है, नाइदर riches नॉर ऑनर ब्रिंग्स हैप्पीनेस। ना तो बहुत ही पैसा इंसान को खुशी देता है और ना ही बहुत खिताब या बहुत ही ऊंचे ऊंचे लकब। इंसान को असल में खुशी, उसके दिल का सुकून जो है वो अपने आसपास के रिश्तों में, अपने अल्लाह की इबादत में और दूसरों के साथ भलाई करके मिलता है। वर्ड्स की मीनिंग्स लिख लीजिए। वेजेस का मतलब है उजरत या किराया। वेल्दी दौलतमंद। वेलडूअर्स खैर, वेलडूअर्स का मतलब है अच्छाई करने वाले, खैर करने वाले, खैर का काम करने वाले, अच्छाई करने वाले। ग्रेवली संजीदगी से। रिवॉर्ड इनाम, शैबी खस्ता हाल। द मैजिशियन लुक्ड एट द ओल्ड मैन इन वंडर, जादूगर ने उस बूढ़े आदमी की तरफ हैरानी से देखा। नेवर बिफोर हैड ही मेट एनीवन हु रिफ्यूज्ड व्हाट ही हैड टू ऑफर, कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ था कि वो किसी ऐसे शख्स से मिला होता
जिसने इनकार किया होता कि मैं तुम्हारी दौलत मुझे नहीं चाहिए, मतलब जो कुछ मैं तुम्हें ऑफर कर रहा हूँ, जो कुछ मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो मुझे नहीं चाहिए. ही सेड नथिंग मोर, उसने और कुछ भी ना कहा. एंड बिडिंग द मर्चेंट गुड नाइट, ले डाउन ऑन मैट टू स्लीप, उससे और कुछ नहीं कहा गया. और बिडिंग द मर्चेंट गुड नाइट का मतलब है उसको खुदा हाफिज कहते हुए, बिडिंग कहते हुए गुड नाइट, खुदा हाफिज यानी शब बखैर कहा, और चुप करके सोने के लिए एक मैट पर लेट गया. अब ये मैट से हमें पता चल रहा है कि वाकई उस मर्चेंट के घर में कोई बहुत बड़ा बेड और कोई बहुत बड़ा बिस्तर नहीं था, बल्कि सादा सा मैट था जिस पर वो लेट गया. इन द मिडल ऑफ द नाइट ही वेंट टू हिज हॉर्स एंड टुक अ सैक फ्रॉम इट्स बैक. आधी रात को यानी मिडल ऑफ द नाइट, रात के दरमियानी हिस्से में वो उठा, घोड़े के पास गया और घोड़े के ऊपर से एक बोरी उतारी. सैक कहते हैं थैले को या बोरी को. नाउ दे वुड नॉट बी वॉन्टेड बट द मैजिशियन हैड समथिंग स्प्लेंडेड टू डू विद देम. उसने दिल में सोचा कि अब इन चीजों की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इनके साथ कुछ खास करना चाहता हूँ. स्प्लेंडेड कुछ खास, कुछ अहम, कुछ ऐसा जो सबकी तवज्जो ले ले. He took them to one of the ponds where pretty grey-green fish were swimming, and one by one he set the bars of gold into the water, murmuring magic words as he did so. वो तालाब के किनारे गया जहां पर ग्रे ग्रीन फिश जो कि बहुत खूबसूरत थी, प्रिटी का मतलब है खूबसूरत, तैर रही थी और एक एक करके उसने सोने की डलियां, बार्स ऑफ गोल्ड का मतलब है सोने की डली, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने घोड़े के ऊपर एक बैग में सोना उठा के लाया था, सोने के ईंटे कह लें या सोने की डली कह लें, सोने के टुकड़े लेके आया था और वो इस नियत से लाया था कि ये मैं सारे मर्चेंट को दूंगा. और अब क्योंकि मर्चेंट ने लेने से इनकार कर दिया था तो उसने सोचा अब मैं इसके साथ कुछ और करता हूँ. तो उसने वो पानी में डालने शुरू किए और साथ साथ मर्मरिंग कहते हैं बुड़बुड़ाने को, मैजिक वर्ड्स बुड़बुड़ाता गया. Each bar dissolved into the cloud of orange gold and behold, जो ए हर बार थी मतलब सोने की जो भी टुकड़ा था, बार डली को कहते हैं, जैसे चॉकलेट की बार होती है उस तरह की, वो पानी में घुलती गई. क्लाउड ऑफ ऑरेंज गोल्ड क्यों कह रहे हैं कि जैसे ही वो पानी में घुलता था सोना तो वो गोल्डन कलर का हो जाता था पानी भी, ठीक है. एंड बिहोल्ड, बिहोल्ड का मतलब है जब आगे राइटर ने कोई ऐसी बात करनी हो जो जरा अहम हो और वो आपकी तवज्जो दिलाना चाहते हो तो राइटर अक्सर ये बिहोल्ड लफ्ज लिखते हैं. इसका मतलब होता है और रुक जाओ और सुनो, ठीक है, ये कहानियों में अक्सर इस्तेमाल होता है. इसका मतलब होता है एंड बिहोल्ड और रुक जाओ, जरा गौर से सुनो. द फिशेज वर अट्रैक्टेड बाय द स्ट्रेंज मिस्ट इन द वॉटर एंड स्वैम अप इन शोल्स टू सी व्हाट इट वॉज. मछलियां जो थी वो अट्रैक्ट हुई जल्दी से, वो जो पानी में एक धुंध सी बन रही थी उसकी तरफ आई और तैरती हुई जल्दी से देखने के लिए कि ये क्या है. शोल्स कहते हैं ग्रुप ऑफ फिश के लिए भी इस्तेमाल होता है, ग्रुप ऑफ फिश, ठीक है. और बाज दफा ये लफ्ज कम गहरे पानी वाली जगह के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन यहां पर इस्तेमाल हुआ है शोल्स ग्रुप ऑफ फिश के लिए, ठीक है. मछलियां तैरती भी सारी वहां जमा हो गई और आके देखने लगी कि ये क्या है. एंड व्हेन मॉर्निंग केम ईच फिश वाज ब्राइट ऑरेंज गोल्ड फ्रॉम हेड टू टेल. और जब सुबह हुई तो हर मछली सर से लेकर पांव तक शोख ऑरेंज गोल्डन कलर की हो गई थी. द ओल्ड मर्चेंट सॉ देम व्हेन सर्चिंग फॉर हिज मिडनाइट विजिटर हु हैड स्ट्रेंजली डिसअपीयर्ड. वो बूढ़ा सौदागर जब तालाब के पास आया तो उसने देखा कि ये मछलियां तो गोल्डन कलर की हो गई हैं. और वो वहां पर क्यों आया था, क्योंकि उसको रात को अचानक आने वाला मेहमान अचानक रात को चला भी गया था, मतलब जिस तरह अचानक वो आया था उसी तरह अचानक रात को उठकर वो चला गया था. He stood by the ponds amazed and delighted. वो पॉन्ड के पास खड़ा था हैरान और खुश. His dream had come true at last. उसका ख्वाब आखिरकार पूरा हो गया था.
Here were goldfish, bright gold from nose to tail. यहाँ पर मछलियां थी चमकदार सर से लेकर पांव तक गोल्डन ब्राइट कलर की. एंड व्हेन यू सी अ ग्लीमिंग गोल्ड फिश रिमेंबर द काइंड हार्टेड मर्चेंट एंड हिज ओल्ड वॉशर वुमेन इन बी काइंड टू अदर्स योरसेल्फ टू. और जब भी आप किसी ग्लीमिंग ग्लीमिंग का मतलब होता है चमकती हुई रोशन गोल्ड फिश को देखो तो उस नरम दिल सौदागर और उस बूढ़ी औरत को याद कर लेना. और ये बात भी याद कर लेना कि किसी की गुर्बत की वजह से किसी की बीमारी की वजह से उसके साथ बुरा सलूक नहीं करना चाहिए. अगर उस मर्चेंट ने उस बूढ़ी औरत के साथ उस कपड़े धोने वाली औरत के साथ बुरा सलूक किया होता तो उसके साथ भी अच्छा ना होता. यू नेवर नो दैट मैजिक यू मे वॉट मैजिक यू मे स्टार्ट. और इसमें बात क्या छुपी हुई है, बात ये छुपी हुई है कि जब भी आप किसी के साथ नरम दिली का सलूक करते हो अल्लाह की तरफ से जवाबन भी आपको अच्छा सिला मिल जाता है. ठीक है, और वो अच्छाई चाहे बहुत सालों बाद आपके पास वापस आए लेकिन आपके पास वापस आकर रहती है. वर्ड्स की मीनिंग्स लिख लीजिए. मर्मरिंग का मतलब है बुड़बुड़ाना. शोल्स के दो मतलब है, कम गहरे पानी वाली जगह भी, लेकिन ग्रुप ऑफ फिश को भी शोल्स कहते हैं. ग्रुप ऑफ फिश, जब फिश इकट्ठी एक ग्रुप में तैर रही हो तो उन्हें शोल्स कहते हैं. मिस्ट का मतलब है धुंध, ग्लीमिंग का मतलब है चमक, और चमकदार चीजों को ग्लीमिंग कहते हैं. अमेज्ड हैरतजदा डिलाइटेड खुशी हुई मर्चेंट सौदागर. ये सारे वर्ड्स मीनिंग्स बेटा आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं, अच्छी तरह से इनको याद करना है, स्टोरी को दो दफा सुनना है और उसके बाद दो दफा खुद पढ़ना है, फिर फ्रेंड्स में डिस्कस करना है. मुश्किल वर्ड्स अच्छी तरह बार बार सुनने, उनकी सही प्रोनंसिएशन सीखनी है.